दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम समाज के अलग से डिमेंशन पर नजर डालेंगे। सुपरस्टिशन ब्लाइंड फेथ या अंधश्रद्धा, तो ये अंधश्रद्धा क्या है और कहां कहां पे दिखाई देती है? क्या हम अपने मतलब के लिए किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं? आखिर ये अंधश्रद्धा पर हमें इतना भरोसा क्यों है जब हम उसका रूट कॉज भी नहीं जानते और हम भूल जाते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? आइए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। माँ जो ये अस्थि विसर्जन करते हैं और तर्पण करते हैं और जो पिंड दान कराते हैं, तो ये सब क्या है? क्या ये ढकोसला है? अस्थि विसर्जन की क्या बात है कि ये सब डिस्पोजल ऑफ दिस थिंग्स। बाकी तो आपके शरीर में क्या है? लोही है, मांस है, खून है, मांस है, ये सब तो जल जाता है। अस्थि नहीं जलती है, वो उसकी राख नहीं होती है, उसको डिस्पोज तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सब इधर उधर सारी कितने सारे अस्थियां रोड पे भी इधर उधर घूमती रहेगी। अच्छा। तो उसको डिस्पोज वे ऑफ डिस्पोजल है, वो करने के लिए भी सब क्रियाएं बताई है। बाकी उसमें और कुछ कुछ धर्म से और उसका कुछ मिलता है वैसा कुछ नहीं है, ऐसा फीलिंग है। नहीं तो माँ वो ऐसा क्यों कि उसको आप या तो गंगा जी में या यमुना में, ऐसी जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनमें ही ये विसर्जित की जाती है और उनको ही अब अपवित्र करते हैं। ये सब ब्राह्मण लोग ने निश्चित किया है कि एक ही जगह पे आए ताकि हम वहाँ बैठे हैं तो उनका भी काम हो और अपना भी काम। बाकी अभी तो लंदन में थेम्स रिवर में भी अस्थि विसर्जन की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ यूके ने करके दी है और वहाँ होते हैं, अपने इंडियन लोग करते हैं। बोट में जाते हैं, बड़ी बोट बनाई, एक बेड उसके लिए स्पेशल स्पॉट बनाया है, वो बोट में जाते हैं, वहां जाकर अस्थि विसर्जन होती। लंदन के बहुत सारे महात्मा, पूछो इन लोगों को, है ना कल्पेश भाई मोटा, थेम्स रिवर में व्यवस्था की है ना, अस्थि विसर्जन की व्यवस्था की है ना। बाकी एक छोटी काड़ी भी डालने का, रिवर में डालने का वहां लॉ है, अगेंस्ट लॉ है, फाइन है, लेकिन अस्थि विसर्जन के लिए व्यवस्था कर दी है। निर्मा पंडित जी सारे उधर आ जाते हैं, ये तो बहुत पैसे बनाने का मौका है, जब कोई मर जाता है तो इधर। ठीक है, बच्चों की भावना है, भावना पूरी करो, लेकिन इतना तो समझदारी से करो कि भी ये उनको नहीं पहुंचता, वो तो गए। हाँ, उनके साथ जो जो राग द्वेष हुए हैं उसके हम प्रतिक्रमण करें, उससे बड़ा तर्पण ये दुनिया में दूसरा कोई नहीं है अपने बुजुर्गों के लिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारी जो बिलीफ है वो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? अगर है तो उसमें से कैसे बाहर निकले और उससे कैसे बच के रहे? तो ये रियल फेथ क्या है? हम हमारी रॉन्ग बिलीफ कैसे चेंज कर सकते हैं? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। एक बात यही है कि निर्मा आप ऐसे बोलते हैं कि बुआ और शास्त्री ऐसा ही मानो मत, लेकिन हमने दो तीन चार बार बताया किसी को, उसके पास जाते समय ऐसा ही बोलते हैं कि आपके घर में किसी ने कोई किया हुआ है इसलिए आप परेशान होते हैं। मेरे पापा को किसी का साथ नहीं है, मेरी बड़ी बहन है मेरे से बड़ी, उसके भी दो बार डाइवोर्स हुआ, मेरा भी प्रॉब्लम हुआ, पहले मेरी छोटी बहन का भी शादी हुई तो उसको भी अभी प्रॉब्लम है, मेरे को दो बड़े भैया है उसकी भी शादी नहीं होती, और पैसे के आर्थिक सामाजिक मानसिक शारीरिक सभी तरह से हम दुखी दुखी होते हैं। भगवान को तो मेरी मम्मी इतने ही मानती है कि 16 वर्ष की उसकी शादी हुई थी तभी सुबह और सवेरे दो बार नहा धो के दीवा बत्ती करती है और इतना ही पूजा पाठ करती है कि ऐसा है बहन जी, कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी भगवान का नाम लो,
सारी जिंदगी भर उपवास करो, खाओ ही मत, तो भी अपने कर्म अपने को थोड़ी छोड़ेंगे, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकेगा। और आपके कर्म में जो रहा है दुख और या सुख, इसमें कोई तीसरा आदमी आकर कुछ छेद नहीं कर सकता है। ये मान्यता है आपकी, आपके सबको दुख आ गए वो आपके कुटुंबिक सामूहिक कर्मों का उदय है। हम तो इसमें ही मानते हैं और इसमें से हमारे हमारी मान्यता कभी गलत नहीं होती है और वो चेंज भी नहीं हो सकती है। आपको मानने मान के और दुखी होना है तो ठीक हो सकते हो। आप दुनिया भर के लोगों को पूछने जाओगे ना, ये तांत्रिक मांत्रिक वाले को, सभी एक ही कहेंगे कि आपके वहां ये प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कर डाला है, क्योंकि उसका तो वो बिजनेस ही है, तो वही बोलेगे ना। अगर वो कहे नहीं आपका कुछ नहीं, तो आप थोड़ी जाएंगे दोबारा उसके पास, कहे को ऐसा बोलेगा सच्चा, तो समझने की बात है। पढ़े लिखे रहे तो समझेंगे, नहीं पढ़े रहे तो फिर ऐसा ही करते जाएंगे। तो इससे और क्या, वो आपको कौन किसका दुख सॉल्व कर सकता है? चलो सबने कहा कि आपके यहाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ नहीं सॉल्व किया, हो सका? तो बातें हैं सिर्फ, इन बातों में आके हम और दुखी होते हैं और उनको पैसे खिलाते हैं, और क्या कुछ, कोई और कुछ नहीं कुछ हो सकता है। निर्मा एक ही प्रॉब्लम हो तो सही बात, सभी सभी के प्रॉब्लम है, तो सबने अपने 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 प्रॉब्लम। अभी ये जमाने में किसको प्रॉब्लम नहीं है बोलो, जिधर जाओ उधर प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम? हाँ आप अपने प्रॉब्लम को झेल नहीं सकती, ये आपका प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत देखो, जो आया उसको फेस करो, पूरा करो। अपनी गलतियां देखो ना, कि क्यों भी हमारा डिवोर्स हुआ है, क्यों दो बार हुआ, कि दोनों एक एक अच्छा नहीं था तो दूसरा भी अच्छा नहीं था। तो मैं ऐसा ही पूछ रही आपके, तो हमारा ही हर जगह पे हम हमारा ही कहाँ, हमारी गलती कहाँ हो रही है वो देखेंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। औरों की गलतियां देखते जाएंगे, हमको इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, कुछ नहीं मिला तो हमारे बाप दादा हमको नड़ रहे, पितृ नड़ रहे, उनको भी नहीं छोड़ते हम लोग, उनको भी उनके सर पे भी डालते हैं, हम उनको सबको नड़ रहे वो नहीं देखते हैं। तो ये सच्चे रास्ते से जाओ ना, गलत रास्ते से जाओगे तो कभी आप सुखी नहीं होगे। सुखी होने का एक ही रास्ता है, औरों की गलतियां देखना बंद करो, खुद की कहाँ गलती हुई उसको देखो और उसमें से बाहर निकलो, दैट्स इट, और कोई रास्ता नहीं है। आपके सारे रास्ते उल्टे हैं, संसार में भटकने के हैं, दुखी 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 होने के हैं। सबको सर के प्रॉब्लम है तो सबके, किसी को कहाँ नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति लोगों को भी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी, सबको घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, हर इंसान को घर के फैमिली के आए, बाहर सब अच्छा अच्छा दिखता है लेकिन अंदर झांक के देखो तो यही है। अभी दो बार डिवोर्स हो गया तो अभी अभी बैराग ले लो ना, जाने तो छोड़ो, अभी क्या कर रहे हैं ऐसे हस्बैंडों को, अपना अपना भी अच्छा, अपना कर्तव्य का निभाओ, अपना काम करो, अपना आत्मा की प्रगति करो, अभी उसमें दुखी होने क्या बात है, हो गया फिनिश हो गया, जितना था हमारा उतना हिसाब पूरा हो गया, अभी क्यों उससे दुखी होने की जरूरत है। तो लगता है सभी साथ में रहते लेकिन कौन सुखी है, कहीं ना कहीं तो दुख चलता ही रहता है। ये चाचा अकेले बोले कि मेरे को अपनी पत्नी की ओर से बिल्कुल दुख नहीं है, अभी पत्नी जब बोलेगी कि मुझे पति की ओर से कोई दुख नहीं है तब हम समझेंगे कुछ बात बनी। कहेंगे होते हैं कभी वो बड़े खुश नसीब, बाकी तो सभी यही है, कलयुग इसको कहते हैं, ऐसे फोगट में थोड़ी कलयुग मिलता है, हर किसी को दुख मिलता है तब कहीं कलयुग आता है, समझ में आया ना। तो इसको ये चीज को गौण करो और हिम्मत से पेश करो, जो आया सो पूरा करो। दोस्तों आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम रोशनी डाल रहे हैं सबसे पेचीदे सवाल पे, सुपरस्टिशन यानी अंधश्रद्धा। क्या आपको पता है वर्ल्ड में 50% से ज्यादा लोग अंधश्रद्धा में बिलीव करते हैं, तो ये अंधश्रद्धा का कारण क्या है, चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। ये देवलोक नवरात्रि आ रही है बराबर, अब मैंने तो ज्ञान ले लिया है, तो अब जब माता जी को पूजन अर्चन करने जाना पड़ेगा बराबर नवरात्रि में, जो कुल देवी होते है, तो फिर उस टाइम क्या होता है कि जो मतलब भुआ होते है ना हमारे कुटुंब में, ये तो ढूंढते है और वो मतलब ऐसा होता है, तो क्या समझने का इन बातों को, क्या करके ढूंढते हैं, डोलते हैं,
तो मैं आ माता ये माता जी का नाम लेके बोलो मैं आई, और फिर बोल अपने को तो सब आजू बाजू सब अपने कुटुंब जन बैठते हैं। कोई माता जी देव देवियां इतनी हाई स्टेज में इतने भौतिक सुख में इतनी सुंदर जगह पे छोड़ के आज ये कलियुग के जमाने में यहाँ कोई सुगंध है नहीं, दुर्गंध दुर्गंध है, कितना कादव कीचड़ यहाँ के। तो अपने को लगता है बहुत बहुत सुंदर जगह है, लेकिन उनके लिए तो कीचड़ से भी बदतर है, आते ही नहीं है। और आते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे मनुष्य लोग के अंदर जाएंगे घुसेंगे हाँ, उस टाइम तो दारू बारू सब होता है, पीते भी है। ओहो, बोलते हैं तो माता जी का प्याला है, चलता है। तो ये तो सारे लोगों को उल्लू घुमाने की बात है, और मेरे तो कुटुंब में ही है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अरे कुटुंब का रह के कहाँ कभी रहा, हम क्यों उल्लू बने? माता जी के ऐसे ऐसे आती है इस जगह पे, और 15-20 दिन के बाद जाना है, वहां भी जाना ही पड़ेगा। बरोबर, तो इसलिए आपसे राह मांगता हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। पहले कहना है कि दारू पीना बंद करो, बाद में मैं आऊंगा। बराबर, और कोई अच्छा काम करना हो, नया धंधा शुरू करना हो, बराबर, तो बोकरा लाते हैं, फिर उसको ऐसे करते हैं, फिर उसको अगर वो बोकरा ऐसे कंपारे खाएगा तो ऐसे समझने का कि माता जी ने इसमें प्रवेश किया है और माता जी ने रजा दे दी, तो क्या है सही है क्या क्या समझने का? अरे वो बोकरा तो ऐसे भी कंपता है आपको देख के। माता जी माता जी कुछ आती बाती नहीं है, सब सब ये सुपरस्टिशियस है, सुपरस्टिशियस अंधश्रद्धा कहते हैं ना, गलत मान्यता। इसी की वजह से तो हमारे हिंदुस्तान की पत्थर रगड़ गई है, प्रगति नहीं हो रही है। तो फिर बोलते जब वो ढूंढते हैं तो बोलते हैं तो क्या? अभी आप यंग है, पढ़े लिखे है, थोड़े से होशियार है, तो दिमाग है कि नहीं अपने को? नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। चुप चुप उसको बोलो बंद करो, ये यहाँ नहीं चलेगा। बोल दो तो फिर ऐसे बोलेंगे तू माता जी अपमान कर रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा। अपमान करे तो माता जी से मैं देख लूंगा, माता जी से मैं देख लूंगा। नहीं कभी कभार सच भी हो जाता है, अगर वो समझो कि माता जी उसमें इंसान वो हुआ है, उसमें आए बराबर, फिर अपने जैसे बोलेंगे भाई तू कौन सी माता है, तो अगर तू सही है तो चल बता, मैं मन में मेरे मन में ये चीज धारता हूँ, अगर तू बता देगी तो तू सही है। अगर फिर उसको बोलता है कहाँ चले ये चीज तूने धारी, ऐसे से कभी कभी सच भी पड़ जाता है, तो फिर क्या समझे हम? कुछ नहीं, कौवे का बैठना और दाल का टूटना। माता जी ऐसे हाई स्टेज की माता जी काहे को आएगी, ऐसे ऐसे धंधे में काहे को गिरेगी? ये सब थोड़ी बहुत सी वो उसको पता चलता है कि इसकी काहे की जरूरत है, कुटुंब में और कुटुंब में सबको मालूम तो होता है, गांव में तो सबको मालूम होता है इसका क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम, तो वो अट्टे कट्टे बोल देता है तो सच गिर जाता है। अभी महीने बाद जाने का तो मैं जाऊँ कि ना जाऊँ क्या करूँ? काहे को जाने की जरूरत है? ना जाओ, माता अम्बा माता के मंदिर में जाओ, वहाँ पूजा भक्ति करो, प्राकृत देवी है और संसार की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, आप देव देव गति में देव देवियां हाई स्टेज की है, मेरा आपको नमस्कार है, आपके शुद्धात्मा को कोटि कोटि नमस्कार है, संसार की भौतिक किसी चीज की मुझे इच्छा नहीं है, बस आप मुझ पर राजी रहो, खुश रहो, बहुत हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो दोस्तों आपने सुना कैसे ये ब्लाइंड फेथ हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, और हमारे आत्मज्ञानी ने इनमें से बाहर निकलने का एक्सेलेंट सलूशन दिया। दोस्तों दादा भगवान परिवार की ओर से ऐसे सभी तरह के प्रॉब्लम का सलूशन इसी प्रोग्राम में मिलेगा। इसी तरह के सत्संग इंडिया और वर्ल्ड के अनेक देशों में होते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, अफ्रीका, दुबई, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों में लोग इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी ये खजाने का लाभ ले सकते हैं और परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org और ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन करें टेलीफोन नंबर 1-877-505-DADA एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।